सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल परिसर में 15वें मानव कल्याण शिविर का आयोजन हुआ। विद्यालय विगत 14 वर्षों से विवेकानंद छात्र उत्थान मंच के अंतर्गत इसका आयोजन कर रहा है। विद्यालय छात्र संघ द्वारा सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। शिविर का शुभ आरंभ स्वामी भीति हरानंद सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम सेक्टर 15 चंडीगढ़ द्वारा किया गया। उन्होंने सदैव मानवता की सेवा के लिए अग्रणी रहने की मुक्त कंठ से विद्यालय की प्रशंसा की। इस रक्तदान शिविर में लक्षित सरीन आईएएस एसडीएम कालका, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, चेयरमैन नगर परिषद कालका कृष्णलाल लांबा तथा जाने माने लेखक व वक्ता विवेक अत्रे पूर्व आईएएस विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर का आयोजन रोटरी ब्लड बैंक चंडीगढ़ द्वारा किया गया, जिसमें 172 लोगों ने रक्तदान के लिए अपना नाम दर्ज करवाया, जिसमें से 154 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। भोजिया डेंटल कॉलेज बद्दी द्वारा लगाए गए दंत जांच शिविर में 85 लोगों ने अपनी जांच करवाई। हिमालय होम्यो क्लिनिक कालका द्वारा होम्यो जांच शिविर में 60 लोगों ने, नेत्र जांच शिविर में 155 लोगों ने, श्री कुंज बिहारी क्लिनिक पिंजोर द्वारा लगाए गए आयुर्वेदिक जांच शिविर में 30 लोगों ने व आरोग्य द्वारा नेचुरोपैथी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचकुला द्वारा डाइट एंड नेचुरोपैथी शिविर में 32 लोगों ने अनुभवी टीम द्वारा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श व दवाई का लाभ उठाया। पीडू संस्था की ओर से पालतू जीवों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने बताया कि विवेकानंद छात्र उत्थान मंच का उद्देश्य बच्चों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करना है। इस आयोजन में भीम अवार्डी व स्केटिंग कोच प्रवीण कौर, पार्षद संजीव कौशल, विविध भारती से सर्वप्रिय निर्मोही मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर राजीव भारद्वाज, डांस दीवाने फाइनलिस्ट मुकेश बादल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर के एम पाठक, सदस्य भारती शर्मा, डॉक्टर पुनीत बेदी, कर्नल एनआर बब्बरवाल उपस्थित रहे। शिविर में विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी कालका पिंजोर, पंजाबी अरोड़ा खत्री सभा पिंजोर, रोटरी क्लब पिंजोर तथा न्यू जनरेशन यूथ क्लब आदि ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कौन सी क्लास में आप? क्या आज क्या लगाया आपने यहाँ पर? हमारा ये बुक स्टॉल है, तो इस बुक स्टॉल में हम बच्चों को ये बताते हैं कि जो ऑथर है, राइटिंग है, ये सारा जो काम है, आप इसको एज अपना करियर, एज अपना ऑक्यूपेशन परस्यू कर सकते हैं। ये भी एक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जेन फील्ड है। तो इस बुक्स में हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल में जितने भी यंग शाइनिंग ऑथर्स हैं, वो आजकल कितनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अपनी बुक्स को इस पब्लिकेशन हाउस से बुक पब्लिश करवा रहे हैं। ठीक, ये हमारे जो यहाँ स्वामी विवेकानंद स्कूल है, उस द्वारा ये शिविर हर साल लगाया जाता है और इस शिविर को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देख रहे हैं बच्चे अपना छोटा छोटा किसी प्रकार को भी व्यवसाय करके आ रहे हैं। आपके साथ ये जो यहाँ बच्चे खड़े हैं, ये मीडिया के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट हैं एंड मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि एक अच्छे स्कूल्स जब अपने माइंड पे सेटअप कर लें कि हम कैसे इनोवेट कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो क्रिस्प प्रकार की गतिविधि करवा सकते हैं इस स्कूल के। इसके साथ ही अंदर ब्लड डोनेशन कैंप भी एक्टिव है, जहाँ पे लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और साथ में होम्योपैथी क्लिनिक भी है, जहाँ पे लोग जो जन औषधि केंद्र है, जिस दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं, ना कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाई। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप ऐसे शिविरों का बढ़ चढ़ कर भाग बने, क्योंकि इससे ना ही बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसे जो एबल और आगे बढ़ने वाले स्कूल्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल्स को भी बहुत सपोर्ट मिलता है, और लोग आकर इस तरह के शिविर्स में जरूर पार्टिसिपेट करें और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। एनुअल फंक्शन होता है, बहुत बढ़िया फंक्शन होता है। जो ये फंक्शन है, ये भी मानवता का जो है बहुत ही, इससे ये है कि सब जो बच्चे हैं जागृत होते हैं और उनको नशे से दूर होते हैं, और यहाँ पे खेल का भी बहुत अच्छा प्रबंध है। ये जो भी स्कूल है, ये बहुत ही बढ़िया स्कूल है। मैं तो सभी को गाइड यही करूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तो कर यहाँ पे एडमिशन दे, क्योंकि यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो प्रिंसिपल जो है बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के टीचर बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि एक वर्ष में 4-5 प्रोग्राम हमारे को हमको बुलाते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं। एनुअल फंक्शन इन्होंने बहुत बढ़िया किया था, और अब भी जो ये शिविर लगाया हुआ है, इसमें सब लोग, सब बच्चों को हर चीज़ की जानकारी के लिए, वेस्ट चीज़ को कैसे और कैसे, ये पॉलीथीन वगैरह के बारे में, हर चीज़ के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और जो इनका ब्लड डोनेशन कैंप है, वो बहुत ही बड़ा कैंप हर साल लगता है, तो मैं इसके लिए इन अपने प्रिंसिपल जी को बधाई देता हूँ और यहाँ के टीचर को बधाई देता हूँ। साथ में इन बच्चों को ये प्रोत्साहन देता हूँ कि अपने टीचर के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ। ये हमारा 15वां मानव कल्याण शिविर है,
और इसका लक्ष्य एक ही है हमारा कि अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार देना कि सामाजिक कार्यों में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा उनको करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन केवल वो नहीं होती जो कि किताबी ज्ञान हो, एजुकेशन होती है कि जो कि एक आदमी को बनाती है कि कैसे समाज के अंदर रहना, और समाज में अगर सेवा के भाव के साथ अगर आप जाते हैं, क्योंकि जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्यथा वे मृत समाज। तो वही भाव के साथ हर वर्ष हम ये मानव कल्याण शिविर करते हैं, और ये कैंप का आयोजन सारा आप देखेंगे कि आपको टीचर नहीं कहीं पे दिखे, सबका सब कुछ जो करने वाले हैं ये बच्चे ही हैं, और स्पेशली हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स ये सारे कार्य को करते हैं।